Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. इस पार प्रिय मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार न जाने क्या होगा, यही दुविधा सदैव हरिवंश राय बच्चन साहब के जहन में रही और तब इन्होंने बड़ी अच्छी बड़ी उम्दा कविताएं लिखी। ये बात तो सभी जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन साहब की शादी हुई तेजी बच्चन जी से, जिससे दो बच्चे हुए, अमिताभ और अजिताभ। लेकिन हरिवंश राय बच्चन साहब दरअसल पहले से शादीशुदा थे, इनका विवाह तो बहुत पहले हो गया था। जरा झांकते हैं इनके निजी जीवन में। प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के ये सबसे बड़े लड़के रहे। पढ़ाई लिखाई हुई कायस्थ पाठशाला में, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इन्होंने रुख किया। इससे पहले ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट का हिस्सा बनते इनका विवाह हो चुका था। इनकी उम्र थी मात्र 19 बरस, साल था सन 1926। शादी हुई 14 साल की लड़की से, जिसका नाम रहा श्यामा। उस जमाने में टीबी एक भयंकर बीमारी मानी जाती थी, वो तो खैर आज भी मानी जाती है। 10 बरस तक इनका विवाह चला और उसके बाद श्यामा जी को टीबी ने घेर लिया, उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 24 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ और अपनी पत्नी के इंतकाल के 5 वर्षों तक इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। उसके बाद इनके जीवन में आई तेजी बच्चन, जो कि एक सिख परिवार से ताल्लुक रखती थीं। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए और ये शादी खूब लंबी चली। इनके बच्चे हुए अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। साहब आपसे मिलने आए हैं। ये विजिटिंग कार्ड है या पोस्ट कार्ड है? हेलो जी सर। समाज सेवा केंद्र मुख्य अध्यक्ष, स्त्री सेवा मंडल मुख्य सचिव, बाल महिला आश्रम कोषाध्यक्ष, महिला विद्यापीठ मुख्य अधिकारी। काफी खूबियों के मालिक मालूम पड़ते हैं। ये रही एक कवि की निजी जीवन की छोटी सी दास्तां। ऐसी और भी बड़ी जबरदस्त बातें सिर्फ पेज 3 रिपोर्टर पर।